नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। हरदोई शाहबाद प्रसिद्धि विद्यालय में नामांकन को बढ़ावा देने हेतु निकाली गई स्कूल चलो रेहड़ी शाहबाद हरदोई शनिवार को शाहबाद में प्रसिद्धि विद्यालय में नामांकन को बढ़ावा देने हेतु स्कूल चलो रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायिका रजनी तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय मियापुर के छात्र छात्राओं ने द्वारा बैंड के साथ मार्च पास्ट करते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी तथा विद्यालय को शिक्षिकाओं को समर्पित करते एवं माला अर्पण उनका स्वागत किया। तत्पश्चात विद्यालय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ शाहबाद के अध्यक्ष श्री पंकज त्रिपाठी द्वारा सभी अतिथियों एवं आगंतुकों को स्वागत किया गया। अपने संबोधन में विशिष्ट अतिथि उप जिला अधिकारी महोदय द्वारा प्रसिद्धि विद्यालयों में नामांकन और बेहतर बनाने के लिए हर संभव का प्रयास करने का आह्वान दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा अपने संबोधन नामांकन में वृद्धि शैक्षिक गुणवत्ता एवं गुणात्मक सुधार बल देने के साथ बालिका सुरक्षा की दिशा में शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान कवच की विस्तृत जानकारी दी गई एवं शिक्षक शिक्षिकाओं से उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु अपना 100% योगदान देने का आह्वान किया। खंड शिक्षा अधिकारी शाहबाद श्रीमती रुचि गुप्ता द्वारा विधायिका एवं उप जिला अधिकारी शाहबाद को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। सम्मानित मंच, इस हॉल में उपस्थित सभी साथियों, देवियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का बेसिक शिक्षा परिवार की ओर से इस महायज्ञ में आहुति के लिए हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मौसम काफी खराब है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद भी कार्यक्रम है काफी कुछ। विधायक जी को मैं बताना चाहता हूँ, आपके कार्यकाल में 28 साल में बेसिक शिक्षा में काफी उपलब्धियां रही है। किस विकास के अभी हमारे अनुरागवासी जी इस संबंध में बताएंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो स्काउट गाइड का क्षेत्र हो, चाहे बच्चा को भी रही हो, शाहबाद अग्रणी भूमिका में रहा है, अग्रणी भूमिका में रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन 2 साल पहले इस विकास क्षेत्र से उपस्थिति रद्द कराया गया। विधायक जी का ध्यान होगा कि 2 साल पहले उपस्थिति रद्द चलाया गया था, शासन ने उसे गंभीरता से लिया था और उसके बाद पूरे प्रदेश में वो लागू कर दिया गया था, सिर्फ शाहबाद की शुरुआत पर पूरे